चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स काइनेटिक्स। जहां भी कंजुगेशन आ जाए दिमाग में क्या आना चाहिए? हाँ, के सी आर टी सी आर। और अगर टेम्परेचर लिखा हुआ नहीं है, रूम टेम्परेचर है, तो हम थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल सोचे काइनेटिकली कंट्रोल सोचे? थर्मोडायनेमिकली, क्योंकि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं आज के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, तो फ्यूचर की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है, करंट वाली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। सोचिएगा, वन और टू किस डबल बॉन्ड पे एच प्लस का रिएक्शन कराएं? ज्यादा पैसा वन के पास है, टू के पास है, तो क्यों तुक्का मार रहा है यार? सीएसई पैसा देने वाला है ना, तो यहाँ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ कम है, तो किसी गरीब को पैसा देना है तो वो देगा, और जब वो देगा, अब यहाँ पे कार्बोकोटाइन ज्यादा स्टेबल या यहाँ का कार्बोकोटाइन ज्यादा स्टेबल? वन या टू? टू का, तो वहां का कार्बोकोटाइन बना दिए, यहाँ का कार्बोकोटाइन बना दिए, तो क्या इसी कार्बोकोटाइन पे बीआर को लगा दें? अगर इसी पे लगा दिया तो ये आंसर बैठा हुआ है, बस में आगे। लेकिन अगर आपने इसका रेजोनेंस करा दिया, और रेजोनेंस करा के अब अगर आपने ये वाला कार्बोकोटाइन बनाया और इसके ऊपर बीआर को लगाया, तो ये आंसर बैठा हुआ है। तो इसको लेते हैं तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, इसको लेते हैं थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, तो किसको लेके चलें, बी वाले को या डी वाले को? डी वाले को ये लेकर चलना है, समझदार आत्माएं। अगर मान लो इस डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करा दें, अच्छा इस डबल बॉन्ड पर रिएक्शन करा दें, तो एच बी आर जुड़ा हुआ है, एच बी आर जुड़ा हुआ है। गलती से भी अगर तुमने इस डबल बॉन्ड को पकड़ा और यहाँ एच और यहाँ बी आर जोड़ा तो ये है, और गलती से भी यहाँ एच यहाँ बी आर जोड़ा तो ये है, गलती से भी यहाँ रिएक्शन कराया और यहाँ एच बी आर जोड़ा, ये भी बैठा हुआ है, बस में आ गई। जो जो सोच सकते हो वो दिया होगा, लेकिन टू द पॉइंट सोचो कि अगर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन की बात हो गई, कंजुगेशन आ गया, तो कार्बोकोटाइन बनाएं, रेजोनेंस कराएं, नया कार्बोकोटाइन बनाएं, वहां प्रोडक्ट बना लें बीआर को लगाकर। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो? ये बेटा वन टू एडिशन है, वन टू एडिशन मतलब काइनेटिकली कंट्रोल्ड है, और ये वन फोर एडिशन है, वन फोर एडिशन मतलब थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। यहाँ जो डबल बॉन्ड देख रहे हो, इसमें तीन तीन छः दो आठ हाइपर कंजुगेशन है, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ डबल बॉन्ड को घेर रहे हो तो कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं है, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी कम है, बस में आगे। तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, कार्बोकोटाइन की स्टेबिलिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बताओ फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स हैं उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा और अपने क्वेश्चन को रिवाइज कर पाऊं। तो है बेटा, अमेजन पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा दो पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है, मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है, मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इन्फॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं, मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए, और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो, अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। एलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10 10 रिएक्शन को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है, कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी का जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे या पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीप फीस, मतलब इसके अंदर 80 डिग्रीज हैं और सभी के अंदर 10 10 क्वेश्चन हैं, इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन, जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है, मतलब कम क्वेश्चन
करस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिविजन कर पाएँ, तो यहाँ पे आपके पास 30-day challenge ये दो वॉल्यूम में है, एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45-45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम एक महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल क्वेश्चन को कैसे करना है एक प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका दो वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसकी कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये दो कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।